नरफत कसमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। एमएलए जितेंद्र अवार्ड पर एफआईआर की मांग को लेकर मुस्लिम लीग की फरज शेख और उनकी टीम पहुंची शील डाइगर पुलिस स्टेशन। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो विवादित बयान एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने दिया था उसको लेकर माहौल काफी गरमाया है। हर कोई उन पर एफआईआर की मांग कर रहा है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है और लोगों का ये भी कहना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। शील डाइगर पुलिस स्टेशन में हमने फरज शेख से बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। फरज शेख जी, आज आप यहाँ पे डाइगर पुलिस स्टेशन आपका आना हुआ कुछ लोगों के साथ, क्या वजह थी आने की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता है कि टीवी 9 पे जो है 8 जनवरी को हमारे कौसम मुमरा गलवा के एमएलए का एक स्टेटमेंट आया था, गलत बयानी की थी उन्होंने हमारे हिसाब से, और एक मुस्लिम रिलीजन के सेंटीमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है और काफ़ी लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने इसको एक्शन में लेकर आया है, यानी उनको अगर हर्ट हुआ है उनको पता है अपने राइट्स, और वो चाह रहे थे यहाँ पर कि एफआईआर हो उस चीज़ पर। तो हम यहाँ पर हर चीज़, हम जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग थे, हमारे कार्यकर्ता भी है इस तरफ के, तो हम टाइगर पुलिस स्टेशन यहाँ पर आए हुए थे आज सुबह में, और हमने पूरी कोशिश की है, हमने यहाँ पर निवेदन दिया है कि भाई जो है, पहले तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हमें इस मामले पे एफआईआर करनी है, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उन्होंने बहुत गलत बयानी की है, और उन्होंने, हमने कहा उनको एफआईआर देने के लिए, तो एफआईआर देने के लिए तो वो लोग, जिस तरीके से आपको पता है कि मुमरा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था, लोगों को बोला गया था, ये पहले तो हम लोगों को यहाँ पर भी आया, तो हम लोगों को ये कहा गया कि भाई आप जो है जहाँ पर हुआ है इंसिडेंट, आप जो है वहाँ पर जाके ये कीजिए, वहाँ पर जाकर आप कीजिए, फिर आपको, हम लोगों को बोला वर्तक नगर जाइए। तो मैंने, हम लोगों ने एक अभी लास्ट टाइम लैंडमार्क एक केस था नुपुर शर्मा का, जहाँ पर हम लोगों ने उनको बताया, नुपुर शर्मा का जो आया था जजमेंट, वो हमने साथ में लेके गए थे, वो हमने रेफरेंस दिया, जहाँ पर हम लोगों ने बताया कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर भी किया जा सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं उस जजमेंट में, तो हम लोगों ने वो जजमेंट की कॉपी लगाकर इनको दी है, और हमने कहा है कि हम यहाँ पर डाइगर पुलिस स्टेशन आए क्योंकि हमारे कार्यकर्ता इस तरफ भी रहते हैं, भोलेनाथ नगर है, आसेनम स्कूल के आसपास में हमारे कार्यकर्ता इस तरफ भी है, तो हम लोग यहाँ पर आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरी पार्टी वालों ने भी कोशिश किया है कि भाई वहाँ पर जाए और उसके खिलाफ जो है एफआईआर हो, लेकिन उन लोगों ने, मैं कहूँगी कि उन लोगों को गुमराह कर दिया और बेवकूफ़ बना दिया कि भाई यहाँ पर होगा नहीं, आप वर्तक नगर जाइए, और वो लोग भी वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ पे भी ना एफआईआर हुई ना यहाँ पर एफआईआर हुई। तो हमने कोशिश की है कि भाई यहाँ पर एफआईआर करने की, यहाँ पर हमने इनको निवेदन दिया, कैसा है ना, पहले लोगों ने हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हमने जब इनको जजमेंट दिया तो ये कुछ बोल नहीं पाए, फिर इन्होंने बाद में हमसे कहा कि भाई ठीक है हम जो है ना लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि एमएलए का मामला है, अब इनको लीगल ओपिनियन याद आ गया, इन्होंने बोला कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे, हमें कुछ टाइम का मोहलत दीजिए, और दूसरी में इसमें मैं ना शुक्रिया अदा करूंगी हमारे सांसद साहब का, जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट के जो ईटी बशीर साहब है मुस्लिम लीग के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें इस मामले में, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉल किया और बात किया, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो टीम यहाँ पर आई हुई है, आप जो उनसे बात कीजिए, उनको उनका निवेदन लीजिए, और जितनी जल्दी पॉसिबिलिटी हो उस इस काम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू की जाए और इनकी एफआईआर ली जाए, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी है कि वो सीपी सर को भी इंशाल्लाह फ़ोन करेंगे और उनसे बात करके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज़ गलत हुई है वो हुई है और हमारे पास उसके सबूत है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि हमने ये चीज़ नहीं किया या हमने किसी और, तो कैसे, मैं समझती हूँ कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए कि आज नहीं तो कल, भले से थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इस मामले पे जो है एफआईआर ज़रूर होगी उनके ऊपर। कितना समय मांगा है उन्होंने आपको इसके लिए जवाब? उन्होंने कहा है कि 8-10 दिन दीजिए हमें, हम इसके बारे में जो है लीगल ओपिनियन हम लेंगे हमारे ऊपर के अधिकारियों से और बाकी सारी लोगों से भी ओपिनियन लेने के बाद हम आपको रिवर्ट करते हैं, लेकिन वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हमारा ये था कि हमने टाइगर पुलिस स्टेशन में दिया, इसके बाद हम लोग जो है वो सीपी सर से भी मिलेंगे और उनसे भी बात करके उनको भी हम देंगे मेमोरेंडम, अगर कहीं पे भी सारी लिमिट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, कहीं पे भी अगर हमारे साथ हमारी बात नहीं सुन के एफआईआर नहीं होती है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जाके वहाँ से एफआईआर करवाएंगे, लेकिन एफआईआर ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, लेकिन होगी, क्योंकि ये मामला ठंडा नहीं बैठेगा। जिस तरीके से देखिए कैसा है ना, एक एमएलए का काम क्या होता है, एमएलए का, अरे मुमरा में इतने काम पड़े हुए हैं, इतनी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन आप वो छोड़ के आज ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हो, क्यों बीजेपी वाले काम कर रहे हो आप? जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था, आप भी तो वही काम कर रहे हो, फिर कल को आपको अगर बीजेपी की वही टीम बोला जाता तो वो सही तो कहा जाता है, आप भी वही कर रहे हो, जो शहर के मुद्दे है आप उससे जो है ध्यान भटका कर लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो, अरे डेवलपमेंट का काम करो, अगर कभी करते भी हो तो सिर्फ नाले गटर साफ करते हो, जो कॉरपोरेटर
का काम है, एमएलए का काम आपने कब अंजाम दिया? कभी नहीं दिया। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर देखिए सेंटीमेंट्स हर मुसलमान के हर्ट हुए इस बात पर, लेकिन अगर आप इस बात पर जिस तरीके से टीवी 9 पे आपने ऐसे वाइड बड़े चैनल पे आपने आकर जो है ये स्टेटमेंट दिया, आप ऐसे ही कोई भी टीवी चैनल पे आकर आपको जो है मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके सेंटीमेंट्स जो हर्ट हुए उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर, लेकिन आप, मैं यहाँ पर मैं उनसे कहूँगी कि अगर आपने जो गलती की आपको उसको एक्सेप्ट करके मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे दरअसल यहाँ पर जो है हमारे डाइगर पुलिस स्टेशन में आए थे हमारे कार्यकर्ता जो है वो भोलेनाथ नगर इस तरफ के हैं, तो एक तरीके का मैं कहूँगी कि एक तरीके की उन्होंने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भाई इतना बड़ा एमएलए है या कोई है, कोई भी पॉलिटिक्स में के किसी भी अफराद को छेड़ने से पहले सोचता है कि भाई क्यों मैं अपनी लाइफ को ये करूँ, लेकिन आज जो है मुनव्वर भाई ने जो हिम्मत दिखाई है और उन्होंने बोला है कि मैडम हम लोग चाहते हैं और हमारे पूरी मुस्लिम लीग वाले वहाँ जाकर जो है टाइगर पुलिस स्टेशन में इस बात की कंप्लेंट करेंगे, उनके खिलाफ़ एफआईआर करेंगे, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत हिम्मत ये इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि उन्होंने जो एक एमएलए के अगेंस्ट में जो उन्होंने गलत बयानी की है टीवी 9 चैनल पर उसके खिलाफ आके यहाँ पर कंप्लेंट की। मैं चाहूँगी कि 2 मिनट आप इनकी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम भाई, देखिए कैसा है कि मुझे कल ही वीडियो देखा मैंने कि हमारे इधर के एमएलए साहब जितेंद्र अवार्ड जिन्हें कुछ ऐसा आपत्तिजनक वीडियो में कहा है, तो मुझे देख के बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने हमारे मुस्लिम लीग के पार्टी के हमारे दोस्तों को फ़ोन करके कहा ऐसी सी बात है, मुझे FIR करवाना है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई मुमरा के अंदर जितेंद्र अवार्ड साहब है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने लग गए हैं, सारे मुद्दे छोड़ के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन चीज़ों में उलझा के रखे है। होटल की अपने ओपनिंग करो, मेले लगाओ और अपने ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग करो, बस इसी में लग के लोगों का ध्यान घुमाया जा रहा है। मुमरा का विकास नहीं हो रहा है, मुमरा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है, ये इस तरह से काम करके सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड साहब को टीवी पर आकर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे हुआ है, समझे? क्योंकि एमएलए साहब जो ज़्यादातर जीत के आए हैं 15 सालों से आज मुमरा में है, तो मुमरा की आवाम की वजह से है और यहाँ की आवाम के वोटों से जीतने के बाद यहाँ के लोगों के ही सेंटिमेंट को हट किया जा रहा है, किस तरह की राजनीति कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है हमारे। तो जितेंद्र अवार्ड साहब को चाहिए कि मुमरा के लोगों से माफ़ी मांगे। ठीक है भाई, मेरा जो FIR करने का जो मेन मकसद था ना कि मैं औरंगाबाद खुलदाबाद का ही हूँ और हमारे मामू और हमारा पूरा ख़ानदान वहाँ के मुजावर ख़ानदानों में से है, तो इसीलिए मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके इस मामले में पहल करूँ। इसी वजह से मैंने हमारे अमीन भाई और हमारी फरज बहन और हमारे सब साथियों को फोन करके बुलाया यहाँ पर FIR करवाने के लिए। ये थी हमारी आज की न्यूज़, आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।